फिल्म में फ्राइडे में आज जिस फिल्म की बात करेंगे हम वो है हैप्पी फिर भाग जाएगी। हैप्पी फिर भाग जाएगी का पहला जो संस्करण था हैप्पी भाग जाएगी 2016 में फिल्म रिलीज हुई थी वो सफल रही थी, तो इसलिए इसके निर्देशक ने सोचा कि इसका दूसरा हिस्सा बनाते हैं, दूसरा पार्ट बनाते हैं और दूसरा हिस्सा है हैप्पी फिर भाग जाएगी। नमस्कार, मैं हूं अमित द्विवेदी, आप देख रहे हैं नौ प्रवाह लाइव। आज समीक्षा करेंगे हैप्पी फिर भाग जाएगी का। हैप्पी फिर भाग जाएगी में पिछली बार जो हैप्पी भागी थी वो भागी थी पाकिस्तान, लेकिन इस बार भागी है हैप्पी चाइना में, चीन में, शंघाई। लेकिन इस बार एक हैप्पी नहीं, दो दो हैप्पी भागते हैं चाइना की तरफ, चाइना की ओर रुख करते हैं। चाइना में ये उतरते हैं एयरपोर्ट, शंघाई एयरपोर्ट पर, और उसके बाद ये दोनों हैप्पी में से एक हैप्पी को किडनैपर किडनैप कर देता है। दरअसल हैप्पी फिर भाग जाएगी की समीक्षा करना थोड़ा सा कठिन इसलिए है क्योंकि इसकी कहानी समझ ही नहीं आती है कि एग्जैक्टली क्या कहानी है ये। फिर भी आइए चलते हैं कहानी की ओर, रुख करते हैं। कहानी कुछ यूं है कि दो हरप्रीत कौर यानी हैप्पी चाइना उतरती है शंघाई एयरपोर्ट पर। एक जो हैप्पी होती है वो अपने पति गुड्डू के साथ जो कि सिंगर होता है वो एक म्यूजिक कॉन्सर्ट में जाती है हिस्सा लेने के लिए, और दूसरी जो हरप्रीत कौर होती है यानी हैप्पी होती है वो जाती है यूनिवर्सिटी में बतौर प्रोफेसर काम करने के लिए। जो बतौर प्रोफेसर काम करने जाती है शंघाई के एक विश्वविद्यालय में वो है सोनाक्षी सिन्हा, जिनको किडनैपर गलती से दूसरी हैप्पी समझ के किडनैप कर ले जाते हैं, और उसके बाद वहां से तामझाम शुरू होता है पूरी फिल्म का। अब इस पूरे फिल्म में यही दिखाया गया है कि असली हैप्पी कौन है और नकली हैप्पी, यानी किडनैपर के हिसाब से असली हैप्पी कौन है और नकली हैप्पी कौन है, और असली हैप्पी को पकड़ के उससे अपना बेनिफिट लेने के लिए जो चक्र रचा गया है वो इस फिल्म की कहानी है। फिल्म के लेखक और निर्देशक हैं मुदस्सर अजीज। मुदस्सर अजीज ने बड़े ही करिश्माई तरीके से पीयूष मिश्रा और जिमी शेरगिल को किडनैप करवाते हैं अमृतसर से और पंजाब के एक शहर से, और वहां से सीधे शंघाई उतारते हैं। ये भी समझ में नहीं आता है कि वो कनेक्शन क्या है कि वहां से किडनैप करते हैं और यहाँ इनको लेकर आते हैं। ये बड़ा ही मुश्किल है कि ये कहानी समझ में आए। ऐसी कई चीजें हैं जो आपको कहानी में नहीं समझ में आती, जैसे हैप्पी सिंह को जिस यूनिवर्सिटी में बतौर प्रोफेसर बुलाया जाता है और उनका स्वागत करने के लिए कार्यक्रम आयोजित किया जाता है, और वहां पर गलती से पहुंच जाते हैं दूसरे हरप्रीत कौर यानी हैप्पी सिंह और उसका पति गुड्डू। अब वहां गजब की बात ये देखने को मिलती है कि हैप्पी सिंह जो असली जो प्रोफेसर होती हैं वो पहुंचने जाती हैं, वो अकेले होती हैं, और जो वहां पर उनके स्वागत के लिए माला रखा जाता है वो दो दो रखा जाता है। ये नहीं समझ में आता है कि डायरेक्टर ये डिसाइड नहीं कर पाए कि जब हैप्पी सिंह अकेले वहां पर आती है तो दो दो मालाएं वहां पर क्यों रखी जाएंगी। बहुत सारी ऐसी दिक्कतें हैं, बहुत सारी ऐसी गलतियां हैं फिल्म में जो समझ में नहीं आती हैं। बेसिर पैर की कहानी है, ऐसा लगता है जैसे सिर्फ मनोरंजन, जैसे चुटकुले बहुत सारे भर के डाल दिए जाए उसमें और आपको परोस दिया जाए, वैसी ही फिल्म है। फिल्म के निर्माता है आनंद एल रॉय। आनंद एल रॉय से इस तरह की उम्मीद नहीं होती है कि वो इस तरह की फिल्म प्रोड्यूस कर सकते हैं। आइए आगे चलते हैं। फिल्म का जो निर्देशन है वो निर्देशन में पूरी कोशिश की है मुदस्सर अजीज ने कि वो बेहतर कर पाए, लेकिन कहीं कहीं वो कमज़ोर साबित होते हैं। कमज़ोर इसलिए साबित होते हैं क्योंकि जब आपका निर्देशन ऑडियंस को छोड़ने लगता है, ऑडियंस वहाँ पर अपने आप को अलग महसूस करने लगती है, तो आप वहाँ पर डिस्टर्ब हो जाते हैं और आपका जो निर्देशन है वो कमज़ोर साबित होने लगता है, और ऐसा फिल्म में बहुत ज़्यादा देखा गया है। फर्स्ट हाफ बहुत ज़्यादा लंबा है, बिल्कुल बोरिंग है, लेकिन दूसरा जो हिस्सा है, दूसरा पार्ट है फिल्म का, वो थोड़ा सा अच्छा है। उस दूसरे हिस्से में आपको हंसी आती है, और हंसी इसलिए भी ज़्यादा आती है क्योंकि वहाँ पर पीयूष मिश्रा अपने डायलॉग से आपको बहुत ज़्यादा खुश करते हैं। पीयूष मिश्रा इस फिल्म में, और जिमी शेरगिल भी काफ़ी अच्छा काम किया उन्होंने। फिल्म में हरप्रीत कौर यानी हैप्पी सिंह दोनों, यानी चाहे वो सोनाक्षी सिन्हा हो या फिर डायना बेंटी, ये दोनों अभिनेत्रियां आपको निराश करती हैं। कब कई जगहों पर सोनाक्षी सिन्हा जबरदस्ती की कॉमेडी करती हुई नजर आती हैं जो बिल्कुल आपको आनंद नहीं देता है। हाँ, उनके कुछ ऐसे सीन्स हैं जिनमें वो भावुक हुई हैं और वो पब्लिक को भावुक करती भी हैं। फिल्म की जो कहानी है, फिल्म का जो पूरा स्ट्रक्चर है वो घूमता है सोनाक्षी सिन्हा के आसपास। सोनाक्षी सिन्हा कई बार आपको खुश करती हैं, कई बार निराश करती हैं। अब बात करते हैं फिल्म के संगीत की। इस फिल्म के संगीतकार हैं सोहेल सेन। अब ये सारी चीजें बताने के बाद आपको ये डिसाइड करना है कि फिल्म देखनी है कि नहीं देखनी है। लेकिन हाँ, अगर आपके पास ढेर सारा समय है और आप बोर हो रहे हैं
तो जरूर इस फिल्म को देखा जा सकता है एक बार। यहाँ पे स्टार की बात है तो स्टार के हिसाब से ये 2 से 2.5 स्टार के बीच वाली फिल्म है, इससे ज्यादा इस फिल्म को देना अनुचित कहा जाएगा।